रानू मंडल, क्या आप जानते हो यह औरत आने वाले समय में बॉलीवुड में बड़े बड़े फिल्मों के लिए गाना गा सकती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर साधारण सी यह औरत गाना एक रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली औरत बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। ये करिश्मा कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, आप देखिए इस वीडियो में। किस्मत हुई मेहरबान रेणु मंडल पर इसी तरह का एक गाना इनका ऐसा वायरल हुआ कि हर किसी के मोबाइल में इन्हीं का भाग गाना बजने लगा और यह रातों रात स्टार बन गए। देखिए इनकी किस्मत इस तरह से मेहरबान हुई कि रातों रात इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। जी हाँ, इस वीडियो में इनकी पूरी कहानी सुनिए एकदम डिटेल में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहां से कहां तक, जानिए पूरी कहानी। '72 में आया लता मंगेशकर का गाना प्यार एक नगमा है। अब इसके साथ नहीं लोगों के जहन में लेकिन हाल ही में इस गाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। लेकिन इस बार यह चमत्कार लगर लता मंगेशकर की वजह से नहीं, पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशन पर रहने वाली एक महिला की वजह से हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में रानाघाट स्टेशन पर मौजूद इस महिला ने इस गाने को इतनी बखूबी से गाया कि कुछ ही देर में इंटरनेट पर यह गाना लाखों लोग देख चुके और ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ, जिसके बाद यह महिला इंटरनेट पर बहुत फेमस हो गई, जिसके बाद हिमेश रेशमिया की नज़र इन पर पड़ी और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए और अब आने वाले समय में बॉलीवुड फिल्मों में इनकी आवाज को आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।